बटाटा वड़ा, ये बटाटा वड़ा लग रहा है जी, इसको भी दबा के और इसके साथ ये आगे तरी और चने और भाई ऊपर से टमाटर वाली एक और करछी और ये चिवड़ा और हरिया धनिया, ये समोसा है कढ़ी तरी मिक्स, कढ़ी तरी मिक्स समोसा, कमाल। हर कोई अपने अपने प्याज जो है वो खुद काट रहे हैं। पाटवाड़ी बताया, ये क्या चीज होती है? ये पाटवाड़ी रहता है भैया जी, और इसमें मसाले रहते हैं, सांभर वगैरह, बेसन होते हैं? नहीं, बेसन वगैरह रहता है। एक बेसन खा सकते हैं? हां, बना के दे। ये पाटवाड़ी बना के दे। मैंने देखिए पाटवाड़ी पुआ बनाओ, ये जैसे पैटी का और समोसे का एक तरह से कह लो कि हाइब्रिड। ओ भाई क्या बात है। लो जी, आपका दिल खुश और हम सबका भी दिल खुश, और निब्बा निब्बी जितने भी है ना वो आ जाओ यहाँ पे भर भर के भाई। अब सुनील जी, आपको एक बात कहनी है, आप कमाल है सर। तो भाई साहब, ये है यहाँ की स्पेशलिटी, ये सांबर और समोसा। ओए होए होए होए, क्या कॉम्बिनेशन है सर। ये यहीं चालू हुआ था ये कॉम्बिनेशन? कितना पुराना है ऑटो? 14 अप्रैल आएगी ना सर जी, एक साल हो जाएगा 14 अप्रैल को, एक साल। नागपुर में इलेक्ट्रिक ऑटो इतना बढ़िया चल रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है सड़क के ऊपर मेट्रो घूम रही है। एवरेज क्या देता है, मतलब एक फुल चार्ज में पूरे दिन का हो जाता है? नहीं सर, मैं ओनली उधर चलाता हूँ। अच्छा, मैं 12:30 बजे तक चले जाता हूँ घर, चार्जिंग पे लगा के खाना गिना खा के थोड़ा आराम कर लेता हूँ जी, शाम को निकलता हूँ, रात को फिर 11 बजे तक चलाता हूँ जी। जब तक आप चार्ज होते हैं तब तक ऑटो चार्ज हो जाता है। 145 किलोमीटर आपका, जैसे कितने ट्रिप्स लग जाते हैं? 20-25 ट्रिप। और ये चार्ज करने में कितना टाइम लगता है फुल चार्ज? 4 घंटे। गडकरी जी के शहर में यहाँ पे बढ़िया माहौल है भाई, इलेक्ट्रिक ऑटोस चल रहे हैं, और इधर एक ना मेट्रो का भी सीन है। सबसे ऊपर मेट्रो, फिर नीचे रोड, और नीचे एक और रोड, ऐसे है ना भैया? सबसे ऊपर मेट्रो, फिर नीचे फ्लाईओवर, फिर उसके नीचे रोड। ये वही वाली रोड है भाई, जब होटल से देखते हैं तो दिखती है, बहुत कमाल लगती है। इधर से हमारा ये होटल है, ये जो है ये फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो चल रही है भाई। गडकरी जी के शहर में ऐसी चीजें यार होनी चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिक और इतना बढ़िया चल रहा है, उसका तो मजा ही अलग है। भारत मेरी जान की एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। फुल एनर्जी के साथ आज हम आ चुके हैं नाश्ता करने नागपुर के अंदर। यहाँ पे राम जी श्याम जी करके हैं, ये हैं। 11 बज रहे, ऑलमोस्ट 11 बज रहे। ओ भाई, यहाँ तो पूरी फुल भीड़ लगी है। पोहा किधर, तरी किधर और प्याज किधर है? लोग अपना जो कांधा है, प्याज है, वो खुद काटते थे। अच्छा, जितना वो खुद ही काट रहे हो। देखो ये टमाटर है, गुलाब जामुन है, टमाटर है भाई। यहाँ देखो हर कोई अपने अपने प्याज जो है वो खुद काट रहे हैं, कांधा पोहा बना रहे हैं। अच्छा, इसके साथ कॉर्नफ्लेक्स भी है भैया। आपको प्लेट हासिल हो गई है? कैसे हासिल किया आपने भैया? बहुत बढ़िया। हैरी कैसे हैं सर? आपको चाय भी हासिल हो गई? ली मैंने। क्या बात, चलिए हम भी हासिल करने चलते हैं। थैंक यू भाई, यहाँ तो भीड़ ऐसी खतरनाक है। हमें पोहा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जो भीड़ है ना उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आज पोहा हासिल नहीं हो पाएगा, पर करेंगे। इधर चाय है सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? हम तो बहुत बढ़िया हैं सर। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। मैंने भीड़ देख के मैं खुश हो गया यहाँ पे। आज इतवार का दिन है और लोग जो है अपना तरी पोहा और चाय पीने के लिए यहाँ पे आपके पास आए। 11 बजने वाले हैं और माहौल ऐसा है कि जैसे अभी सूर्य उदय हुआ है। राम जी श्याम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेश पोहा जो है वो बन रहा है आपके सामने, इसमें कढ़ी पत्ता, प्याज और तेल और पीनट्स है वो आ चुके हैं। अभी इसकी मिक्सिंग जब होगी तो रंग आ जाएगा। देखिए सर, नागपुर में हमारा 32 साल हो गया। पहले हमारी दुकान रेडिएशन के चौक पे थी, माता मंदिर के सहारे, वहाँ हमने 28 साल निकाला है। अभी यहाँ मेरे को 4 से 5 साल हो गया। मेरे यहाँ मेन आइटम है तरी पोहा, राम जी का तरी पोहा। इसके बाद समोसा रहता है, बटाटा वड़ा रहता है, कचौरी रहता है, जलेबी रहता है, ढोकला रहता है। सुबह 5:30 बजे चालू करते हैं, 4:30 बजे शाम को बंद कर देते हैं। और राम जी श्याम जी दोनों भाई हैं? ये जुड़वा है, ट्विंस हैं राम जी श्याम जी। हम 4 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे से छोटे राम जी श्याम जी हैं, और ये हमारे जान हैं छोटे। सबसे छोटे तो सबसे अजीज होते हैं। बहुत बढ़िया। आपके सामने सभी ओपन हैं, जो भी बनाता भिगाता हूँ, जो भी निकालता हूँ, फ्राई करता हूँ, सब सामने ही रहता है। मेरा किचन कुछ ऐसा अंदर में नहीं रहता है, जो रहता है पब्लिक के साथ। ये सब प्यार है उनका, माता रानी का आशीर्वाद। हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, वो तो एक जीने खाने का एक साधन है। ये एक कढ़ी है, समोसा और बटाटा वड़ा या इसके साथ में लेते हैं। बढ़िया। आप सबसे छोटे और सबसे प्यारे हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप अभी क्या बना रहे हैं? अभी हम पोहा बना रहे हैं जी। तो ये पोहा उबाल के रखा है आपने? जी जी। इसमें आपने कुछ मसाले डाल रखे? ये प्याज, मिर्ची, कड़ी पत्ता जी, और राई है राई जी, और मूंगफली मूंगफली जी जी जी।
और ये प्लेट में भर के इसके ऊपर से ये जो तरी है मेन, तो जो रस्सा है ना भाई, उसकी कमाल, उसका कमाल है। इसमें क्या क्या रहता है सर? चने चने हैं, टमाटर है जी, चने टमाटर और ऊपर से हरिया धनिया और भाई नींबू, और इसके साथ ही चिवड़ा है। ये साथ में कॉर्नफ्लेक्स है, ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये चूड़ा है, चूड़ा। अच्छा चूड़ा है, कितना है? बहुत कम है। और इधर सर ये क्या चीज़ है? ये कढ़ी है, ये कढ़ी है, एक बार मीडियम। ये देखो भाई, ये कढ़ी जो है समोसे के साथ और पोहे के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा समोसा पोहा भी देते हैं मिक्स? बहुत कमाल यार। तीखा, ये पोहा है जी? ये पोहा है फुल तीखा जी? ये अच्छा फुल तीखा, कमाल। चूड़ा जी, संभार जी, ये ऊपर से नींबू, वाह। और ये तैयार। और इसके अलावा किस चीज़ की प्लेट रहती है? आलू गोंडे का बटाटा वड़ा। ये समोसे की प्लेट लग रही है क्या भैया? समोसा क्रश करके और फिर इसके अंदर है कढ़ी, वाह भाई साहब। इसमें रसा भी मिक्स लेते हैं? अच्छा रसा भी मिक्स करते हैं, वाह कमाल। और साथ में टमाटर जो है उसका पूरा पीस जो है वो देते हैं, उसका रस जब करी में मिक्स होता है तो कमाल हो जाता है। ये देखो फिर से समोसा पोहा, ये समोसा पोहा रख दो। अच्छा कस्टमर से पूछ पूछ के भाई कौन सा वाला लोगे, मीडियम लोगे, तेज लोगे, कौन सा वाला लोगे? ये हाफ पोहा है, हाफ पोहा है, तेज मीडियम जी, कमाल यार। और ये जो तरी आपने बना के रखी है सर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ है जी जी, वाह बहुत बढ़िया। वहाँ कितना, दो हाफ था ना? इसके अलावा जो आप बोंडा कह रहे थे, आप और भी बनाते हैं? बटाटा वड़ा निकल रहा है, वो अभी ड्रा हो गया है, बटाटा वड़ा भी बनाते हैं, 5 मिनट में आ रहा है। इतवार का दिन है तो आइटम जो है वो चलती जा रही है। ये देखो कढ़ी समोसा है जी, ये देखो दो समोसे क्रश करके कढ़ी समोसा लगा रहे हैं, और ओ हो वाह, कढ़ी पत्ता अलग से झाती मार रहा है, और भाई ये कमाल। चूड़ा लेंगे? चूड़ा, हरिया धनिया डाल के और ये नींबू रख के रेडिया कस्टमर को। सर ये क्या रेट क्या रहता है तरी पोहा का? 40 रुपए प्लेट, 25 रुपए हाफ जी। और ये तेज करूं मीडियम? सेम रेट है, सेम रेट है। तरी प्याज और तरी और टमाटर आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा चाहो आपको मिल जाएगा जी। और बटाटा वड़ा, ये बटाटा वड़ा लग रहा है जी, इसको भी दबा के, और इसके साथ ये आगे तरी और चने और भाई ऊपर से टमाटर वाली एक और करछी, और ये चिवड़ा और हरिया धनिया और ये नींबू। और सर प्राइसेस सेम है? सेम सेम, इसका भी रेट सेम है। बहुत बढ़िया। चाय की चाय है, जलेबी है। अच्छा चाय और जलेबी उधर है, तो पोहा जलेबी वाला जो भोपाली कॉम्बिनेशन है वो भी है? वो नहीं है। अच्छा कर सकते पर, हाँ कर सकते। ये समोसा है कढ़ी तरी मिक्स, कढ़ी तरी मिक्स समोसा, कमाल। क्या बोले नीतू भाई साहब, अगर आपको भोपाली कॉम्बिनेशन करना हो पोहा और जलेबी का, वो भी हो जाएगा? मतलब अगर आप हो जाएगा? जी 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 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं जी। कैसा है कि किसी किसी को तीखा खाने के बाद थोड़ी सी मीठा खाने के बाद ज्यादा मजा आता है जी जी जी, तो इसलिए जलेबी का कॉम्बिनेशन जी हो सकता है। तो अगर तीखा खाने के बाद जबान कहेगा कुछ मीठा हो जाए, उसके लिए ये भी जलेबी, लस्सी, लस्सी भी है, लस्सी भी है, और चाय भी है, चाय कॉफी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब सब रखा है। बहुत बढ़िया। एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे लोकेशन क्या है अपनी, एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। वैसे रामजी श्याम जी पोहे का अगर गूगल पे डाले तो वो लोकेशन पर बहुत परफेक्ट बताता है, छत्रपति नगर मेट्रो स्टेशन कॉलम नंबर 122-123 जी। जैसा एक हमारा ये लिफाफे पे भी लिखा है, लिफाफे पे भी एड्रेस रहता है जी। इसको तो भाई साहब ये एड्रेस है, अभी आप नोट कर लो, इधर ही आना। तो भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा नागपुर में, भाई जबरदस्त तरी पोहा। जैसे जैसे हम कन्याकुमारी से ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, नाश्ते बदल रहे हैं भाई, क्या बात है। डोसे, इडली, सांभर से अब धीरे धीरे पोहे आ रहे हैं, इसके बाद पूड़ियाँ आएंगी, उसके बाद भटूरे आएंगे, और भाई मैं भटूरों की वेट कर रहा हूँ, बट ये जो पोहे हैं ये भी कमाल है। इसके साथ भी छोले हैं और छोलों के साथ बढ़िया तरी है। हमने उनको बोला कि भैया सुबह जल्दी नहीं उठना है, तो उसकी वजह से उन्होंने हमें दिया है थोड़ा मीडियम फ्लेवर, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मीडियम फ्लेवर है। श्योर इज बाइट, कढ़ी पत्ता आ गया भाई, इसको साइड में निकालते थोड़ा। Here is a bite. मजा आया है पर उतना नहीं आया, रुको ये देखो।
अब थोड़ा ज्यादा आएगा। मैं ना इसके साथ जलेबी खाना चाहता हूँ, तो मैं पोहा एक्स्ट्रा भी लूंगा तरी के बिना, और उसके साथ जलेबी खाएंगे, भाई क्या मजे आ जाएंगे। अब बड़ी बात, महाराष्ट्र की मिसल और ये तरी एकदम सेम है। जो तरी है ना वो अपनी स्प्राउट्स की तरी होती है, ये चनों की तरी है। भाई क्या जबरदस्त फ्लेवर है उसमें, जो स्पाइस है, जो चिली है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको बोलेगी कि भाई उठ जा काम पे, चल सीधा भाग, पैसे कमा और भाई अपने परिवार को चला। ऐसा मतलब मुझे अभी आवाज आई इसमें से, तो मैंने आपको बोल दिया। पर मैं जलेबी ट्राई करूंगा यार इसके साथ, वो और ज्यादा कमाल लगेगी। जीरो माइल है। अच्छा ये जीरो माइल है, हर्ष भाई हमें बता रहे हैं कि ये जीरो माइल है। जीरो माइल मतलब इंडिया का सेंटर या इक्वेटर? इंडिया का सेंटर। इंडिया का सेंटर है भाई। ये जो इधर लिखा है ये डंडा, ये डंडा नहीं नहीं वो वाला, वो जो बड़ा सा। अच्छा उसके पीछे जो जीरो माइल लिखा है भाई, ये जीरो माइल ऑफ इंडिया है। दिस इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी भीड़ तो लगी है, पर भीड़ पता क्यों लगी है? क्योंकि इस शहर का जो सबसे फेमस है विक्की तरी पोहा, वो हमारे सामने है। और भाई यहाँ पे तीन चार सेटअप्स है, बट असली वाला एक ही है, तो अभी आपको पहचान जो है वो कराते आ जाइए। अरे तो भीड़ देखो, भीड़ से ही पहचान हो जाती है, भीड़ से पता चलेगा असली कौन सा है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले ये बताइए, इतनी जो भीड़ आपने लगा रखी है किसके लिए? बस भैया टेस्ट है, इसके लिए आते हैं। टेस्ट के लिए जी। क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? भैया पोहा रहता अपने, समोसा रहता, पाटवड़ी रहता, कचौरी रहती है बड़ा सा। तो एक एक प्लेट एक तो सबकी लगा के दिखाइए सर। ये देखिए पोहा तो जो है वो लग रहा है जी, इसमें पोहा और साथ में चिवड़ा चूड़ा, चना दल रहे हैं और रस्सा जी, फिर टमाटर, फिर तरी दल देंगे। अच्छा ये टमाटर ऐसा जैसे गुलाब जामुन होता है ना, और तरी ये आपको मतलब जैसे अलग अलग तरह की रहती है? हाँ, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। मीडियम भी रहती है, तेज भी रहती है, बहुत आपको जैसा लगता है उस हिसाब से बनाते हैं, जैसा आप मांगते वैसा बन जाएगा। और ये कितने साल से लगा रहे हैं? ये करीबन पप्पा के हाथ का है, बहुत टाइम हो गया। आपके पापा ने आप ही के नाम पे चालू किया था? बहुत बहुत टाइम से लगा रहे हैं। देखो पोहा बनाने की जो स्पीड है, फटाफट से यहाँ पे चिवड़ा और तरी और ये प्लेट कस्टमर के पास। सर एक चीज बताइए, इसके अलावा क्या रहता है? समोसा रहता है और पाटवड़ी भी रहती है। अच्छा बड़ा रहता है, कचौरी भी। ये अलग चीज लग रही है, पाटवड़ी है यहाँ का। हाँ यहाँ पे फेमस है पाटवड़ी। एक बार कैसे बनाते हैं इसकी प्लेट? हाँ, एक पाटवड़ी बना के दिखाओ। बना के छोटे भाई। हाँ क्या नाम है? नितिन। नितिन भैया, तो नितिन भैया जो है अभी बड़ा लगा के दिखा रहे हैं आपको, बड़ा क्रश करके। और भाई साहब इसको देखते हैं ऊपर क्या डालते हैं, इसके ऊपर भी तरी और साथ में छोले और भाई टमाटर, एकदम कमाल रंगीन प्लेट हो गई, साथ में कढ़ी और ये आपकी प्लेट तैयार। और इसके अलावा समोसा भी लगा के दिखाइए सर। एक समोसा बना, समोसा और भैया को एक ये समोसा और कढ़ी का कॉम्बिनेशन नागपुर वाले लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। हमने तीन चार जगह पे देखा है, कढ़ी और समोसा का जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ का फेवरेट है भाई। बहुत और भी आपका दो यहाँ पे दो आप लगा दो। आप लोकेशन क्या है? किंग्सवे रोड, कस्टूडेंट पार्क, नागपुर। और इतनी भीड़ है, भीड़ देख के समझ जाओ। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? टाइमिंग भी सुबह 6:30 बजे से चालू हो जाता है और 4:30 बजे तक रहता है। 6:30 से 4:30 बजे। बढ़िया, देखिए प्लेट जो है वो बैक टू बैक लग रही है। भैया का दो पाटवड़ी बताया, ये क्या चीज होती है? ये पाटवड़ी रहता है भैया जी, और इसमें मसाले रहते हैं। अच्छा। समार वगैरह बेसन होते हैं? नहीं बेसन वगैरह रहता है। एक बेसन दिखा सकते हैं? हाँ बना के देखिए पाटवड़ी। ये जैसे पैटी का और समोसे का एक तरह से कह लो कि हाइब्रिड है। तो एक पाटवड़ी बनाओ और एक सिंगल समोसा। ये देखिए पोहा की प्लेट जो है वो तो बैक टू बैक चलते लगते। एक पाटवड़ी बना के दे दो। ये देखिए पाटवाड़ी, इसके अंदर ये मसाला रहता है जैसा कचौरी के अंदर रहता है। हाँ जी, थोड़ा अलग रहता है। अच्छा ये नागपुर की है? हाँ नागपुर जी, नागपुर की फेमस चीज है ये जी। इसके अंदर ये देखिए तरी आ गई और चने और भाई ये प्लेट तैयार। एक बार प्राइसेस भी बता दीजिए सबके। पोहा कितने का है? सेमी है, 25 रुपए प्लेट है और हाफ 15 रुपए। हाफ 15, 25 का फुल, सब कुछ सभी सभी। सिर्फ पाटवड़ी 25 रुपए पीस रहता है। अच्छा वो प्लेट पे गिनती आती है। सही है। देखिए भैया एक चीज और बताइए, खुशबू है वो कम से कम आधे किलोमीटर से आ रही है इसकी। ये क्या, इसमें क्या डालते हैं भैया? मसाले रहते हैं इसमें, गरम मसाले रहते हैं पूरे। अच्छा हाँ। गरम मसाले, प्याज, टमाटर और लहसुन। हाँ, लहसुन, अदरक का पेस्ट वगैरह। अच्छा अदरक का पेस्ट वगैरह, अदरक का पेस्ट भी है। और भाई इसमें देखो बढ़िया तरी, एक मग्गा रस्सा बल्टा दो। रस्सा बल्टा बेटा, रस्सा बल्टा। बहुत ही बढ़िया है तरी पोहा की प्लेट। तेज चलेगा जी? ऐसा करते हैं पाटवाड़ी में तो ट्राई करो, ठीक है ना? एकदम यूनिक आइटम है।
पोहा पार्सल बोलिए मैडम। ये हो गई पोहा की प्लेट और दो प्लेट समोसे। पकड़ना ये प्लेट जो है पाटवाड़ी की लग रही है। इसके अंदर मसाले हैं कुछ कड़ी रस्सा दोनों और इसके साथ ये आ गया जी तरी और रस्सा और टमाटर और ऊपर से कढ़ी भी। वाह कमाल। ये प्लेट तरी मार दो। थैंक यू भैया। और यहाँ पे जैसे सुबह 5 बजे आप चालू करते हैं? नहीं 6:30 बजे। 6:30 से चालू हो जाता है। 4:30 बजे तक। 4:30 बजे। हाँ जी। तो भाई साहब ये देखिए स्वाद वटांदरा आज का हमारा विकी भैया के पास। इसमें ये काठवाड़ी है समोसे जैसा लग रहा है बट इसमें क्रंच ज्यादा है क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया है जो भाई तेल के अंदर फ्राई होगा वो ज्यादा है। उसकी वजह से आपको क्रंची बिट्स जो है जैसे 2 समोसे में जितनी मिलेंगी इसके ऊपर थोड़ी सी तरी और गिरा लेते हैं। ये देखिए है ना। एंड भाई श्योर इज ओ भाई ये रस्सा कमाल है। ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। मैं सोच रहा था सिर्फ पाटवाड़ी ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा बट भाई साहब ये प्लेट्स खत्म करनी पड़ेंगी। पोहा बहुत कमाल है, रस्सा बहुत कमाल है और पाटवाड़ी तो नेक्स्ट लेवल है। ओ ये देखो पत्ता भी आ गया था। ऐसा विक्की भाई का जो रस्सा है ना जो यहाँ पे वो तरी बनाते हैं इतनी कमाल है, इतनी नेक्स्ट लेवल की है। ये जितनी भीड़ लगी है ना वो रस्सा खाने या वो रस्सा पीने आए हैं। बहुत कमाल है, जबरदस्त है। आप यहाँ पे आके ट्राई करो। हम आगे चले। yes. और भाई साहब अभी हम आपको नागपुर में दिखाने लाए हैं सिगड़ी वाला डोसा। यहाँ पे कोयले की सिगड़ी के ऊपर तकरीबन तंदूर वाले फ्लेवर में आपको डोसे मिलेंगे। इतने कमाल, इतने जबरदस्त के यहाँ पे भीड़ जो है वो आपको बता देगी कि कितने ज्यादा कमाल है। आजकल मौका है या किस्मत है कि भाई हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे भीड़ लगी होती है, हमें भगवान उसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग कमाल है। नागपुर वालों का जो स्वाद है उनको पता है कि कैसे कहाँ पे क्या खाना है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या खाना है। आ जाओ भाजी। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या बना रहे हो भाजी? डोसे। भाजी पंजाबी से गल करिए डोगरी च के हिंदी च मर्जी करो यार। मैं मतलब आप जो है वो जम्मू से है और डोगरी है और भाई मतलब डुगर है आप है ना। क्या बात है भाई जबरदस्त। तो यहाँ पे डोसे बना रहे हैं बहुत कमाल के। कौन से वाले बना रहे हो भाजी? ये दिलखुश बना रहा हूँ। चार दिलखुश? चार के चार दिल खुश और लोगों के भी दिल खुश। और भाई ये बैटर इसमें क्या रहता है? सर बैटर में क्या रहता है? चावल वगैरह रहता है। अच्छा चावल और दालें। मतलब एक तरह से मल्टीग्रेन ही कह सकते हैं इसको भी। भाजी कितना पुराना सेटअप है? हो गए 7-8 साल हो गए। पहले 7-8 साल हो गए। ये भाई शिमला मिर्च और प्याज का तड़का जो है वो बैटर के ऊपर लग चुका है। 7-8 साल से लगा रहे हैं और यहाँ पे भाजी वैसे भी भीड़ बहुत लगी रहती है, आपकी वजह से और बढ़ गई है ना। ये आ गए टमाटर साथ में और हरिया धनिया, चुकंदर भी है। क्या बात है भाई जी। भाजी इसका नाम दिलखुश कैसे? दिल शेव भी जानती है ना। हाँ जी भाजी ऐसा लग रहा है मैं बार पे खड़ा हूँ, ड्रिंक्स बनवा रहा हूँ। क्या बात है। क्या क्या डाला है भाजी? ये सॉस है शेजवान सॉस। ये है जी शेजवान सॉस। ये भी अच्छे से मिक्स कर दी। दिलखुश डोसा भाई जी कितने थे? 130। 130 का डोसा है और भाई ये देखो भर भर के मक्खन जो है वो आ गया है और अभी इसकी मिक्सिंग चालू। और अभी देखना जुगलबंदी दोनों भाइयों की। और ये कैबेज भाई साहब, कैबेज डाल के दोनों भाई जो है वो जुगलबंदी इनकी चालू है। और अभी देखो ये दिलखुश डोसा जो है एक्चुअल में लोगों के दिल खुश करने वाला है। मेरी नजरें फिलहाल जो है अच्छा। थैंक यू सर। ये देखो भाई ओ वाह क्या बात है। बचपन में हम भी कंपस रख के वो जो गोल बनाते थे ना भैया वो तवे के ऊपर बना रहे हैं। क्या बात है भाजी। उन्हें फोल्ड कितना करोगे? फोल्ड चीज़ पाके पाके सोना लगूगा। सोना लगूगा। क्या बात है। मेन तो भाई दी तो सोना तो लगना ही है ना जी। वाह ये देखो भाई ऊपर गुलाबी रंग है और दिल को इन्होंने अच्छी शेप दे दी है। और 14 फरवरी आ रही है तो भाई उसके हिसाब से तो दिल खुश डोसा भर भर के बिकेगा है ना भैया। ये चीज ऊपर से ये देखो भाई ऊपर से हरिया धनिया और ये आपका डोसा जो है ये तकरीबन रेडी है ना।
अभी मैं देखना चाहता हूँ इसकी जो दिल वाली शेप इन्होंने दिल बनाया है वो कैसे इसको काटेंगे, और अभी देखना भाई की मार्शल आर्ट्स। ऊपर से स्प्रिंग अनियंस, ओ भाई क्या बात है। लो जी आपका दिल खुश और हम सबका भी दिल खुश, और निब्बा निब्बी जितने भी है ना वो आ जाओ यहाँ पे भर भर के भाई, अब यहाँ पे आपको ऐसा डोसा मिलने वाला है। इसको हुकुम का इक्का भी बोल सकते हैं ना। वाह हाजी, डोसे ने नाल की देने दिल खुश, डोसे नाल सांभर भी होता है, चटनी वगैरह होती है। ओके तो यहाँ पे चटनी और आपको साथ में ये प्यारा प्यारा दिल खुश मिल जाएगा। और ये देखो भाई अभी लोगों का जो प्यार है हर तरफ से आपको दिखेगा कि लोगों ने घेरा हुआ है इनको। चटनी कौन कौन सी डालते हैं सर आप? अच्छा जी, नारियल की चटनी है और साथ में टमाटर की, टमाटर और लहसुन की चटनी, टमाटर और लहसुन की चटनी, कमाल। उसी भी जम्मू तो? जम्मू तो। अच्छा उतो इकट्ठे ही भरा थोड़ा छोटा छोटा भरा है पांच है। ओके 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 ले आओ जी, थैंक यू सर। तो भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। ये मुझे दिल कम और हुकुम का इक्का वाला जो होता है हुकुम वो ज्यादा लग रहा है, पर भाई दिल खुश तो कर दिया भाई ने। उनकी जो क्राफ्ट है, उनकी जो आर्ट है भाई, शेप चेक करो एकदम परफेक्ट दिल वाली है। और इसको खा के अभी देखते हैं दिल खुश होता है कि नहीं होता। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको खराब करूं कि ऐसे ही रहने दूं और इसको फ्रेम करा के या वीडियो बना के इसको वीडियो डालूं, बट वो तो मैं डाल ही रहा हूं। चलो इधर से ये एक बाइट फोल्ड करते हैं एंड ये उठाते हैं, और इसके साथ ये आ गई जी नारियल की चटनी। सोनम मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप सोनम को कुछ खाने नहीं देते और सारा खुद ही खा लेते हो, आप प्लीज़ कुछ बोल दो मेरे ऊपर, ये गलत बात हो रही है। हर जगह दो प्लेट्स आती हैं, एक आपकी आती है, एक मेरी आती है। जस्ट डेट आपका शूट होता है, मेरा शूट नहीं होता। मैं रंगे हाथी पकड़ा जाता हूँ, रंगे हाथ पकड़ा जाता हूँ, बट सोनम पकड़े नहीं जाते। भाई दोनों बराबर खाते हैं, हमने ये वादा किया था एक दूसरे के साथ कि दोनों मोटे होंगे तो इकट्ठे होंगे। मेरे सिक्स पैक एब्स जो है वो अभी है, मतलब अंदर अच्छे से सलामत है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया लेयर आ गया ऐसा दोस्तों का। हियर्स अ बाइट। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है वो जिंजर गार्लिक चटनी जो डाली थी ना, वो शेजवान चटनी है। टेस्ट कमाल है, बट यहाँ पे जब आप आते हो तो कोशिश करना कि मक्खन जो है वो आप या तो लेके आओ या न्यूट्रलाइट मत डलवाना, क्योंकि भाई न्यूट्रलाइट आपको मालूम है। यहाँ पे आप नॉर्मल विदाउट मक्खन वाला डोसा खाओ, बहुत कमाल है। और उनको बोलो कि दिल की शेप में काट के दें ऐसे ही, बहुत कमाल लगेगा। ऐसा देखो अंदर से रेड और बाहर से ये सारा ये जो कलर है डोसे का वो आएगा, बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन। और पाजी जो है वो डोगरा है, अपने जम्मू से पाजी है, पंजाबी डोगरी सब समझते हैं, तो आप यहाँ पे आओ, मराठी हिंदी पंजाबी डोगरी या कोई भी लैंग्वेज में बात करो, खाना बहुत जबरदस्त लगेगा, आके ट्राई करो। हम आगे चलते चले नागपुर में, हम आपको अब जहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ना कैफे है जो कहते हैं कि नागपुर का ओल्डेस्ट कैफे है, अंकल जॉन का कैफे। और यहाँ का जो सांभर समोसा है भाई, सांभर के साथ समोसा देते, सोचो कितना कमाल रेसिपी होगी कि यहाँ पे लोग सांभर और समोसा खाने आते हैं। कैफे जॉन, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कैफे जॉन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और भाई ये सारा का सारा मेन्यू इन्होंने बाहर ही डाल दिया है कि ताकि जो कस्टमर आए वो डिसाइड करके आए कि भाई क्या खाना है। ये देखो सांभर समोसा, बहुत उमदा, बहुत लजीज, जायकेदार, बहुत उमदा, बहुत लजीज, बहुत जायकेदार। सर आपने तो मेरा काम खत्म कर दिया भाई, कैफे तो एकदम विंटेज वाइब्स वाला है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में टाइम ट्रैवल करके हम यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे ये मेन्यू है, सांभर वड़ा, कांदा वड़ा, दही वड़ा, इडली, उपमा, सांभर समोसा, समोसा चटनी, दही समोसा, पूरा मेन्यू है भाई, पॉज करके पढ़ लेना। मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, कॉफ़ी पिए। और देखो सब लोग अपना खाना जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, संडे को एक बजे का नाश्ता है। तो भाई साहब ये है यहाँ की स्पेशलिटी, ये सांभर और समोसा, ओए होए 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 क्या कॉम्बिनेशन है सर। ये यहीं चालू हुआ था ये कॉम्बिनेशन, इधर का ही है। तो ये आपके जैसे आप ही ने शुरू किया था, आपकी फैमिली में से किसी ने शुरू किया? अच्छा, तो उनके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि समोसा और सांभर? यहाँ के जो कस्टमर की नीड है वैसे यहाँ समोसा बहुत चलता है जी, और सांभर ऑल ओवर साउथ इंडिया का फेमस है जी जी जी। तो जब लोगों को टेस्ट पसंद आ जाता है राइट, तो कोई भी कॉम्बिनेशन में खाना चालू कर दो। क्या बात है, तो आपको अभी पसंद है सांभर समोसा? मैंने अभी बाहर लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं भाई कमाल है। बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात। हाँ जी बोलना चाहूंगा मैं, हुकुम करिए सर। सर यहाँ का मैं वो
कस्टमर हूँ, जब ये पीढ़ी चल रही है इन लोग की। जी 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 जी। यहाँ 40 पैसे का डोसा था जब से मैं। 40 पैसे का? 40 पैसे। अरे भाई साहब, आजकल तो लिफाफा नहीं आता सर 40 पैसे का। 40 पैसे का डोसा मैंने इनके पुरखों के पास खाया। क्या बात है सर। पर आपको एक तारीफ करूँ? जी सर। आप इतना ओल्ड लग नहीं रहे सर। अरे क्या? नहीं सही बात है, इतना ओल्ड नहीं लग रहे ना सर। 40 साल कितना? अरे भाई साहब क्या बात, वाह वाह। 1970 ये खुद लग नहीं रहे वहाँ के, ऐसा लग रहा है 1980s के आप लग रहे हैं सर। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, क्या बात है 40 पैसे में। अरे क्या बात है सर। तो अभी क्या रेट है? अभी 80-90-100 ये रेंज। समोसा सांभर? समोसा सांभर 60। समोसा सांभर 60। और सर आप किसकी बात करें 40 पैसे में? और भाई क्या जमाना था है ना सर। उस टाइम पे जमीन कितने की होगी? ये तो आइडिया नहीं मुझे, मतलब पहले जब कमी थी। जैसे चिप्स के साथ क्या? अच्छा चिप्स के साथ अच्छा लगता था। जी जी जी। गुड कॉम्बिनेशन। आप फ्रेंड्स हैं? आप दोस्त लोग हैं? हाँ यहाँ पे सब दोस्त लोग। दोस्त लोग हैं, क्या बात है। दोस्त लोग आके बैठे हैं। और सिंह साहब आप क्या खा रहे हैं? चाय पी बस। चाय? कुछ खाते नहीं है यहाँ पे? नहीं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा वैसे यहाँ का क्या पसंद है? क्या पसंद है यहाँ का? सभी पसंद है। हाँ जी डोसा। मैं अभी किसी श्रीमान से मिला, वो कह रहे हैं कि 40 पैसे का डोसा था उस टाइम से खा रहे हैं 1975 में। पहले इनका रेस्टोरेंट इधर था। जी जी जी। यहाँ पे जब ब्रिज करके अभी जी, तो वहाँ से इनकी चाय तो बहुत फेमस थी। अच्छा ऐसी चाय का टेस्ट हमने कभी पिए जी। और मेरी अभी 58 एज है। अच्छा जब हम 20-21 साल के तो स्पेशली घर से उठ के आके चाय पीने आते थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या चाय पीने? चाय कैफे जोन की पी। जी जी जी। क्या ब्लैक टी बोलते हैं? जी जी जी। और सीधा कैफे जोन। क्या बात है सिंह साहब। आप वैसे किधर से, मतलब आपकी फैमिली किधर से है? पंजाब से। पंजाब में किधर से? अरे वाह, मैं लुधियाना से हूँ सर। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। गुरविंदर सिंह जी? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। अरे सर हेमा मालिनी जी किधर है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी, थैंक यू, थैंक यू सर। तो भाई साहब हमारा खाना जो है वो आ गया है, और इसके अंदर ये प्लेट्स में ये समोसा और सांभर है, और इसके साथ ये चटनी है, और ये क्या है सर? मसाला इडली। मसाला इडली। अरे वाह, ये आपकी रेकमेंडेशन है? अरे वाह। तो यहाँ पे देखिए सर, आपका नाम? सुनील। सुनील जी, सुनील जी ने हमें रेकमेंड किया है कि मसाला इडली और साथ में खाइए समोसा और सांभर। नागपुर के लोग इतने कमाल है, इतने प्यारे हैं, लिटरली ना ऐसा लगता है कि अपने परिवार के अंदर बैठ के खाना खा रहे हो। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं भाई, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, सब लोग एक दूसरे के, मतलब जैसे यहाँ पे पहली बार आके मिले। थैंक यू सर। तो एकदम ऐसा परिवार जैसी फीलिंग है, और परिवार जैसी फीलिंग में खाना तो जरूरी है ना। हम अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। पाजी कुछ ट्राई तो करो। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये तो गुरुजी हैं, ये समोसा। ओ भाई ये तो, ओ वाह वाह वाह, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे समोसा डूब गया एकदम। भाई मैं सोच रहा हूँ एप्पल का वो जो नया आया ना विजन प्रो, वो ले लूँ, उससे वीडियो शूट किया करूँ, क्या कमाल हो जाएगी यार। मैं आपको पीओवी दे पाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या खा सकते हैं ये। ओ भाई बड़ी सी बाइट, और ये हमारी चाय। अरे सर सुनील जी आपको एक बात कहनी है, आप कमाल है सर, आप बहुत बढ़िया है जी। थैंक यू सुनील जी, दिन बना दिया आपने, आपने हमारा दिन बना दिया, थैंक यू। समोसा और साथ में सांभर। ये भाई साउथ इंडियन सांभार नहीं है, ये महाराष्ट्रियन सांभार है, थोड़ा झुंझुनी वाला है, झुंझुनी। और ये इडली, मसाला इडली के साथ ये चटनी। Good job. Very nice. Good job. थैंक यू सर, कमाल भाई। यहाँ पे सुनील जी आपको मिलेंगे, अगर मिल गए तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। कमाल खाना है, कमाल लोग हैं, और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।